वेलकम टू माय चैनल दैट्स कालागारा और मैं आपकी कांक्षा। आज की वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं सेम ब्रांड की दो सनस्क्रीन की कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस एंड एक्वालॉजिका की हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन। इस प्रोडक्ट का रिव्यू रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई गेस 3 या 4 वीक पहले, लेकिन उस रिव्यू वीडियो में कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम तक वो छोटी छोटी चीजें इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में मैंने खुद भी ऑब्जर्व नहीं की थी। तो आज के इस वीडियो में वो छोटी छोटी चीजें जो मैंने इतने दिन इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद फील की है, ऑब्जर्व की है और मुझे लगता है आपको जानना जरूरी है, वो भी शेयर करूंगी। वो आपकी हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि आपको ये सनस्क्रीन परचेज करनी है या नहीं करनी है, या फिर आपको इन दोनों में से कोई भी सनस्क्रीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूंगी मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है। यहाँ बॉम्बे में फिलहाल जो गर्मियां है वो पीक पे है, ह्यूमिडिटी पीक पे है, इतना ज्यादा पसीना आता है और ऐसे वेदर में मैंने इन दोनों ही सनस्क्रीन को टेस्ट किया है और आज मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों ही जो सनस्क्रीन है इनमें आपको 50-50 ग्राम्स क्वांटिटी मिलती है, 399 रुपीज इनका प्राइस है, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि इन दोनों सनस्क्रीन में आपको SPF 50 एंड PA++ का प्रोटेक्शन मिलता है। ये दोनों ही सनस्क्रीन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ मिलती है। इसके साथ साथ ये ब्रांड क्लेम करती है कि इन दोनों ही सनस्क्रीन में आपको वाटर लॉक टेक्नोलॉजी भी मिलती है। वाटर लॉक टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन से वाटर को लॉस नहीं होने देगी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक फीचर है आपकी सनस्क्रीन में अगर आपको मिलता है तो। इन दोनों ही सनस्क्रीन में आपको 3 फिल्टर्स मिलते हैं, 2 इसमें केमिकल फिल्टर है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड और 1 इसमें केमिकल फिल्टर है सनकेट। ये तीनों ही जो फिल्टर है ये इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में 2nd, 3rd, and 5th नंबर पे डाले गए हैं, तो इसीलिए ये जो सनस्क्रीन है ये आपको यूवी की हार्मफुल रेस से डेफिनेटली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इन सनस्क्रीन के साथ आपको पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब बढ़ते हैं वियर टेस्ट की तरफ। इस सनस्क्रीन को मैं डेली अपने सिर्फ हाफ फेस पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अभी आजकल मैं 2 सनस्क्रीन एक साथ टेस्ट कर रही हूँ, एक ये एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस सनस्क्रीन और दूसरी लॉरियल की यूवी डिफेंडर सनस्क्रीन। तो इसीलिए इस सनस्क्रीन को मैं डेली सिर्फ अपने हाफ फेस पे लगा रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलता है, बहुत इजीली इसका जो फॉर्मूला है ब्लेंड हो जाता है। ये जो सनस्क्रीन है अगर आप इसे अपने आई एरिया के आसपास लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होती। इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइट वेट है और जैसे कि आप देख सकते हैं मॉइस्चराइजर की तरह बहुत इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। इसे लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी वाइट वाइट, जैसे बहुत सारी सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको फील होता है, ऐसा नहीं लगता है। तो इसीलिए ये जो सनस्क्रीन है वो आपके चेहरे पे बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगती। इवन अगर आप इसे रीअप्लाई भी करते हैं तब भी ये एक मोटी सी लेयर या फिर आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती। एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे ना ही तो हॉस्टल के रूम में और ना ही तो डिपार्टमेंट में एसी है, तो इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट का रिव्यू और फिर सनस्क्रीन का रिव्यू मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ वो एकदम रॉ वेदर में होता है। तो गाइस ये करीब 1 घंटे बाद की क्लिप है, मैंने डिपार्टमेंट में बैठने के बाद ये छोटी सी क्लिप आपके लिए शूट की थी कि 1 घंटे बाद ये आपके चेहरे पे कैसी लगती है। बीच में 5 मिनट के लिए मैं धूप में रही थी और ये है करीब 6 घंटे बाद की क्लिप। लंच के बाद मैंने रूम पे आने के बाद ये क्लिप शूट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सनस्क्रीन है वो बिल्कुल भी आपको ग्रीसी नहीं लगती, एक्स्ट्रा ऑयल की प्रॉब्लम इसे लगाने के बाद आपको फील नहीं होगी और इस साइड में मैंने लॉरियल की यूवी डिफेंडर लगाई है। दोनों ही सनस्क्रीन मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी। बहुत जल्दी इन दोनों ही सनस्क्रीन की डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आप देख लेते हैं इन दोनों सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही सनस्क्रीन जैसे कि आपको पता है बैक टू बैक एक्वालॉजिका ने लॉन्च की थी और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इन दोनों की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। जो इंग्रेडिएंट इनकी पहली सनस्क्रीन पे जिस जगह पे रखा गया है, डाला गया है लिस्ट में, सिमिलरली वो इंग्रेडिएंट आपको न्यू लॉन्च सनस्क्रीन में भी सेम जगह पे प्लेस मिलेगा।
तो बेसिकली इन दोनों सनस्क्रीन में सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का अंतर है। हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन में आपको कोकोनट वाटर मिलता है, जबकि ग्लो प्लस सनस्क्रीन में आपको पपाया एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो ये है एक छोटा डिफरेंस, बट एक मेजर डिफरेंस भी इन दोनों सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन में है। वो ये है कि हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन में आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस यूज की गई थी, जबकि ग्लो प्लस सनस्क्रीन में ऐसा नहीं है। हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन में क्योंकि कोकोनट वाटर था, वैसे तो कोकोनट वाटर नॉन कोमेडोजेनिक होता है, बट लॉन्ग टर्म में मैंने ऑब्जर्व किया कि उस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद मेरे जो पोर्स थे वो क्लॉग हो गए थे और मुझे छोटे छोटे दाने भी आने लगे थे। तो इसीलिए अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपके पास ये जो न्यू लॉन्च सनस्क्रीन है ग्लो प्लस, ये अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें इस टाइप कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। फॉर्मुलेशन इन दोनों सनस्क्रीन की ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद भी मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों सनस्क्रीन के साथ अलग अलग रहा है। ये एक प्लेन कंपैरिजन वीडियो है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सनस्क्रीन में कंपैरिजन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस सनस्क्रीन में कौन से इंग्रेडिएंट हैं, वो आपकी स्किन के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए अब क्लोजली इन दोनों सनस्क्रीन की फॉर्मुलेशन देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। दोनों ही आपको पंप टाइप की पैकेजिंग में मिलती है, लेकिन पंप में थोड़ा सा अंतर है। मुझे एक्चुअली हाइड्रेट प्लस का जो पंप है ना वो ज्यादा अच्छा लगा, वो मुझे ज्यादा इजी टू यूज लगता है। वो जो नई वाली सनस्क्रीन है ना, वो जब मैं निकालती हूँ तो उसकी पैकेजिंग पे ही लग जाती है। बट एनीवे ये छोटा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइड्रेट प्लस है उसमें हल्का सा आपको ग्रीन टिंट मिलेगा, जबकि उस टाइप का कोई कलर आपको ग्लो प्लस में नहीं दिखाई दे रहा होगा। ग्लो प्लस का जो फॉर्मूला है दूर से कैमरा में देखने के बाद आपको एकदम सिमिलर लग रहा होगा, बट गाइज वो थोड़ा सा लाइट वेट है हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन से। फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद भी गाइज फीलिंग जो है ना ग्लो प्लस की वो ज्यादा अच्छी है। लगाने के बाद वो मुझे ज़्यादा लाइट वेट लगती है एज कम्पेयर टू हाइड्रेट प्लस। तो इसीलिए मुझे एक्चुअली ग्लो प्लस सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगी। पहली बात ये है कि वो मुझे नॉन कॉमेडोजेनिक लगी। उसे यूज़ करने के बाद मैंने छोटे छोटे दाने की प्रॉब्लम जो हाइड्रेट प्लस यूज़ करने के बाद ऑब्जर्व की थी वो नहीं की। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये थोड़ा सा ना वाइट भी आपके चेहरे को कर देती है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी ने भी इन दोनों सनस्क्रीन में से कोई भी यूज़ की होगी तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। तो यहाँ पे आप हल्का सा डिफरेंस इन दोनों को लगाने के बाद देख सकते हैं कि स्किन में भी इसी टाइप का हल्का सा डिफरेंस आपको दिखाई देता है। ग्लो प्लस जो सनस्क्रीन है वो ज्यादा लाइट वेट है और लगाने के बाद किसी भी टाइप का छोटा सा भी रेजिड्यू आपके चेहरे पे नहीं छोड़ती है, जबकि हाइड्रेट प्लस के साथ ऐसा नहीं है। इन दोनों ही सनस्क्रीन में से मैं आपको ये वाली सनस्क्रीन रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है समहाउ मुझे इसके फॉर्मूले से थोड़ा सा लाइट लगा, और दूसरा इसमें आपको आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस नहीं मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि फॉर्मुलेशन में ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है, तो आप ये वाली लीजिए। तो गाइस मुझे उम्मीद है आज की ये ऑनेस्ट कंपैरिजन वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।